तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, स्पाइडर मेरे हाथ में है, 15,000 देख सकते हैं, एक स्पाइडर का 15,000। काफी खूबसूरत है इसका स्किन का कलर, एकदम बढ़िया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह उठ के मैं बिल्कुल फ्रेश अप होके जो है ड्रेस वगैरह लगा लिया है, और यहाँ पे देखो मेरे कपड़े यहाँ पे क्या क्या टांग के रखा है, और यहाँ पे पूरा बिखरे पड़े हैं। इसे जो है मैं आज शाम को ही पैकिंग करूंगा, क्योंकि मैं कल निकलने वाला हूँ घर। कल जो है रात 10 बजे का फ्लाइट है मेरा, और इस रूम को मैं कल सुबह 10 बजे छोड़ने वाला हूँ। तो अभी सबसे पहले मुझे भूख लग रहा है, ब्रेकफास्ट करूंगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है मैं जाऊंगा क्रॉफोर्ड मार्केट पे, वहाँ पे जो है बहुत एक फेमस मार्केट है क्रॉफोर्ड मार्केट, जिसमें जो है अजीबो गरीब पेट्स वगैरह मतलब बेचे जाते हैं, जैसे कि स्पाइडर, इगुआनास वगैरह वगैरह, फ्लाइंग स्क्वायर, बहुत सारी जंगली चीजें भी बेचे जाते हैं। तो वहाँ पे जाके मैं उसको एक्सप्लोर करूंगा उस मार्केट को। तो सबसे पहले भूख लग रहा है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी ब्रेकफास्ट करने आया था दोस्तों, मैंने जो है चीज जैम सादा मंगाया था, ये पता नहीं क्या चीज है, मेरे को पहली बार जो है टेस्ट करने का मौका मिला है। मक्खियाँ बहुत आती है यार, बहुत अनहाइजेनिक है, बट क्या करें, मजबूरी है, सुबह सुबह दुकानें नहीं खोलते, यही खाना पड़ेगा। और अभी जाऊंगा मैं मार्केट, तो अभी दोपहर हो चुकी है, अभी मार्केट तो खुल चुका होगा, तो अभी मार्केट जाऊंगा। मूवी देखने वाला जो प्लान था वो कैंसिल हो चुका है फिर से, क्योंकि मैं रूम पे था, रूम पे ही मूवी देख रहा था, तो टाइम चला गया, कब चला गया पता नहीं चला। जॉन विक 4 देख रहा था मैं, तो अभी ये साइड से जाना पड़ेगा। मैं कोई टैक्सी वगैरह नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि सामने है 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है शायद, तो पैदल ही चलूंगा मैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों मार्केट में, तो यहीं से शुरू होती है छोटी मोटी मार्केट। तो यहां पे जूते वगैरह है, चप्पल वगैरह, और भी आगे में है कपड़े। अरे बाप रे, यहां पे तो सेम कपड़े। अच्छा नहीं चाहिए भैया, जीन्स वगैरह। हाँ ये वाला दिखाइए, ये वाला कितना साइज 32 देखिए, एक बार खोल के दिखाइए, 32 वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, साइड साइड में जो है मार्केट लगी हुई है, ये मुझे नहीं लगता है क्रॉफोर्ड मार्केट है ना, कौन सा वाला है। तो अभी देख लेते हैं और भी क्या क्या चीजें मिलती है यहाँ पे, कोई भी मार्केट हो एक्सप्लोर तो पूरा करना है। यहाँ पे क्या क्या बेच रहे हैं भैया, इलेक्ट्रॉनिक सामान। अच्छा अच्छा, यहाँ पे रेनकोट वगैरह, और जो पेज वगैरह बेचते वो कहाँ पे यार, वो मुझे चाहिए था। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पुराने जमाने में बनाया गया महल, इसको पूरा जो है रेलवे स्टेशन में कन्वर्ट किया गया है। ये जो है CST है दोस्तों, ये देखिए वहाँ पे झंडा भी लहरा रहा है, और ऊपर में ब्रिटिशों का मतलब जमाने में बनाया गया वो मूर्ति भी ऊपर में है अभी। तो अभी चलते हैं इधर आगे, और थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा हमें मार्केट तक पहुँचने के लिए। ये सारे के सारे देख सकते हैं दोस्तों, काफी खूबसूरत भी लग रहे हैं पुराने जमाने के जो महल वगैरह है। यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन के बगल में यहाँ पे भी मार्केट लगी हुई है, बहुत सारी भीड़ भाड़ है यहाँ पे भी। तो मेरे हिसाब से जो है यही से शुरू होती होगी मार्केट, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा मुझे जो मेन मार्केट है वहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं वही रेगुलर चीज़ें हैं जो मिलते हैं हमारे उधर में भी। तो मैं लगभग पहुँच गया दोस्तों, यही एरिया है क्रॉफोर्ड मार्केट। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले फ्रूट्स वगैरह बेचे जाते हैं, वो अंडर में जो है फ्रूट वगैरह का दुकान है। तो यहाँ पे आते ही बारिश शुरू हो चुकी है, अच्छा किया मैंने छाता लाया। तो अभी देख लेते हैं, घूमेंगे फिरेंगे। यहाँ पे मुझे पिंक वाले ड्रैगन फ्रूट भी दिख गए हैं, और एवोकाडो वगैरह भी बेच रहे हैं भैया। भैया ड्रैगन फ्रूट कैसे दिए? 200 एक किलो का, 200। यहाँ पे यार फ्रूट वगैरह काफी सस्ती है, लीची वगैरह भी, और ड्रैगन फ्रूट 1 किलो का 200। हमारे इधर में एक पीस का 200 लग जाता है यार, मतलब 100-200 तो लग ही जाता है। तो यहीं से है मार्केट शुरू, अभी घूम के देख लेते हैं, पूरा मार्केट घूमेंगे आज। तो यही है क्रॉफोर्ड मार्केट, तो इसके अंदर में जो है बहुत सारी दुकानें हैं, तो अभी अंदर जाके देख लेते हैं क्या क्या चीजें मिलती हैं। मुझे तो पेट्स वाला, स्पेशली पेट्स वाला दुकान जो है वो कहाँ पे, वो ढूंढना था मुझे। ये तो ग्रोसरी की दुकान है यार, काफी सारे दुकानें हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। ये पेट्स वाला दुकान कहाँ पे है यार? तो जिसके तलाश में मैं ढूंढ रहा था दोस्तों, वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे पेट्स वगैरह हैं, देख सकते हैं काफ़ी क्यूट से पैरट वगैरह है पूरा। यहाँ पे देखिए वाइट वाले, क्या क्या नाम है पता नहीं, बहुत ही क्यूट है यार, मुझे ले जाने के लिए दिल कर रहा है। ये देखो ये छोटे वाले इतने क्यूट है।
यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितने क्यूट क्यूट से पप्पी, इतना क्यूट है देखिए ना। अरे यार ले जाने मन कर रहा है। वाह भैया ये कौन सी ब्रीड है? पोमेलियन। अच्छा ये इसका एज कितना हुआ है? 2 महीना। वाह इसका प्राइस कितना है भैया? 6,000। अच्छा ओ यहाँ पे ये जर्मन शेफर्ड है क्या? ये जर्मन शेफर्ड है ना। तो यहाँ पे जो है उतने ज़्यादा तो है नहीं दोस्तों पेट्स वगैरह, यहाँ पे ज़्यादातर तो पैरट वगैरह ही है। और यहाँ पे देखिए खरगोश, इतने क्यूट क्यूट से खरगोश। तो भैया बता रहे हैं कि इनका दुकान दूसरी तरफ में है तो वहाँ पे जाके देख लेते हैं। इगुआनास वगैरह देखने को मिलेंगे इधर में है। यहाँ अंदर में तो पूरा पेट्स के ही दुकानें वगैरह है, चिड़ियों की चहचहाते की आवाज़। अरे बाप रे यहाँ पे बिल्ली वगैरह देखिए, क्यूट क्यूट से बिल्ली पूरा सो रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे डॉगीज हैं देख सकते हैं। और क्या क्या मिलते हैं भैया आपके इधर में? अच्छा यहाँ पे बहुत कुछ है ना। और ये तो चूहे, इतने क्यूट क्यूट चूहे। वो मैंने एक वीडियो पे देखा था वो जो स्पाइडर, वो नहीं है आपके पास? सामने कहाँ पे? इसके अंदर में। फाइनली दोस्तों जिस चीज को देखने के लिए आया था मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। क्या नाम था इसका, क्या कहते हैं? टेरेंटुला। अच्छा ये देखिए स्पाइडर, ये मेरे हाथ में भी आएगा ना? आजा आजा आजा, डर रहा है ये। आजा ये देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों स्पाइडर मेरे हाथ में है। एंड इसका नाम क्या था मैं फिर से भूल जाता हूँ, टेरेंटुला। अच्छा ये एक तरह का ब्रीड है, ये जो है पेट में एज अ पेट यूज किया जाता है। कई देशों में तो इसे खाते भी है हमने देखा है, तो इसे आप पेट रख सकते हो। इसका प्राइस कितना है भैया? 15,000। देख सकते हैं एक स्पाइडर का 15,000। जाइए अंदर अभी, फिर चला जा। हाँ चला गया। ये आप कहाँ से लाते हो भैया, कहाँ से आते हैं? हाँ घर में ब्रीड होती है। ब्रीड होती है? अच्छा आप लोग ही कराते हो, बढ़िया। तो मैं यहाँ आने से पहले जो है कुछ जानकारी ले रहा था YouTube में, तो यहाँ पे जो दुकान था मैं जो है फाइनली उसी दुकान पे पहुँच चुका हूँ। ये देखिए 26 नंबर वाले दुकान। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी जो स्पाइडर है और फ्लाइंग स्क्वायरल जो है, स्पेशली मैं ये भी देखने आया था। ये देखिए फ्लाइंग स्क्वायरल, तो इसे जो है फ्लाइंग स्क्वायरल कहा जाता है। एक्चुअली ये उड़ता नहीं है दोस्तों, बस इसके चमड़ी को फैला कर पैराचूट की तरह यूज़ करता है ये। इसे हम लोग जो अपने लैंग्वेज में सोलॉक कहते हैं, काफ़ी पॉपुलर है हमारे गांव में भी। मतलब इसके प्रजाति कई तरह के प्रजाति होते हैं, बड़े होते हैं छोटे होते हैं। हमारे गाँव में भी इसका जो प्रजाति है वो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही रेयर है। ये देखिए दोस्तों ये साउंड कर रहे हैं, इसका साउंड, अरे झगड़ा कर रहे हैं दोनों झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों बिल्कुल छोटे छोटे इगुआनास के बच्चे हैं ये। तो इसके जो बड़े बड़े वाले वर्जन भी हैं यहाँ पे मौजूद है, लेकिन फिलहाल के लिए भी आप लोग को एक दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इगुआना, वाह कैसे फन फुला रहा है। अरे ये मुझे अटैक करने के लिए सोच रहा है क्या? यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इगुआना एकदम बड़े वाले। तो इससे जो है एज ए पेट भी यूज़ किया जाता है और कई सारे लोग जो खाते भी है इसको। हमने देखा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो ये जो है आपको क्रॉफर्ड जो मार्केट है इसके अंदर में जो आपको ये सारी चीज़ें स्पेशली जो पेट के लिए फेमस है यहाँ पे जो है आप पेट खरीदने आ सकते हो। ये जो इगुआना है ये जो है काफ़ी हाई प्राइस है। अब भैया ये इगुआना का प्राइस कितना था? हाँ भैया इगुआना का प्राइस कितना था? 10,000। तो देखिए दोस्तों एक इगुआना का प्राइस जो है 10,000 रुपये है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो अभी भैया इगुआना को निकाल रहे हैं, अरे ये तो डर रहा है। अरे बाप रे, हाँ
काफी खूबसूरत है इसका स्किन का कलर एकदम बढ़िया है। ये पूरा स्केलिंग कर रहा है और पूरा देखो अंदर से पूरा ग्रीन हो गया है। ओह ये पूरा पुराना चमड़ी को छोड़ रहा है। ये छोड़ रहा है पूरा। ये सब पूरा ट्रेन है ना भैया? ट्रेनिंग देते हैं लोग। ट्रेनिंग देना पड़ेगा इसको। अब इगुआना को जो है भैया खरीद के लेके जाएंगे, इसलिए जो इसके नाखून वगैरह लंबे लंबे नाखून पहले काट रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नाखून जो है बच्चों को भी चुभ सकते हैं, इसलिए जो है समय समय पे इसके नाखून वगैरह जो है काटना पड़ता है। ये फ्लाइंग स्क्वायरल जो है काफी डरते हैं दोस्तों। देखिए वाप रे डर गया मैं तो, पूरा अटैक करने के लिए आते हैं। देखिए कैसे साउंड निकाल रहे हैं, पूरा छे 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 की आवाज। देखिए अटैक करने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों अलग अलग ब्रीड के क्यूट क्यूट से पप्पीज आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे वेराइटीज के। यहाँ पे आपको बड़ी सी एक बिल्ली भी है, इससे भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं, और बिल्ली के साथ साथ खरगोश भी है, और उसके साथ यहाँ पे आप तरह तरह के पैरोट्स वगैरह भी देख सकते हैं जो कि काफ़ी कलरफुल है, यहाँ से आप एडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए कितने झुंड में हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत वाले आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे अलग अलग तरह के बिल्ली देखिए, वाह छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बिल्ली के बच्चे इतने क्यूट है यार, ले जाने का तो मन कर रहा है। इसे देखो इतना दुखी से बैठी हुई है बेचारी, देख के दुख भी लगता है और क्यूट भी। ये वाला तो मस्त है, ये देखिए कितना क्यूट है यार, मतलब ले जाने मन कर रहा है। देखिए ना दुख भी लग रहा है, मतलब एक तरह से दया दया आ रही है इन पर मतलब। और उसी के बगल में यहाँ पे देख सकते हैं जो है कछुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, ये मेरे उंगली से भी छोटे छोटे कछुए के बच्चे हैं देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्यूट क्यूट से डॉगीज यार, ये जो नीचे बैठा हुआ है ना इसे चाहिए मुझे, इतना क्यूट है। और ये व्हाइट वाला भी कम क्यूट नहीं है, देखिए ना इतना मजे से देख रहे हैं। तो यहाँ पीछे जो साइड है दोस्तों, ये पूरा जो लाइन है आपका पेट का मार्केट है, यहाँ से शुरू होते वहाँ तक पूरा जो आपको हर तरह के पेट मिल जाएंगे, अजीबोगरीब पेट्स भी मिल जाएंगे। तो पूरा देख लिया मैंने, मुझे खरीदना तो है नहीं, बस मुझे इगुआना खरीदने का मन किया, लेकिन इतना महंगा 10,000 का है तो हम नहीं ले जा सकते, और फ्लाइट में भी अलाउड नहीं होगा शायद। और यहाँ पे अभी फ्रूट्स एंड ग्रोसरी मार्केट है, तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ आगे। आगे निकल जाने के बाद मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह फिर से खरीदूँगा रूम पे ले जाने के लिए, लीची एंड ड्रैगन फ्रूट वगैरह। बहुत ही बड़ी मार्केट है दोस्तों, हर गली पे देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा लाइन है इधर में। आप जितना अंदर जाओगे जितना अंदर जाओगे उतना ही मार्केट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी इस साइड में चल के देखते हैं, हमें कपड़े वाले दुकान अगर दिख जाए तो अच्छा है। अरे इधर तो हम रोड के अंदर रोड के बाहर में निकल जाएंगे इधर से। इधर आने पर जो है रोड के बाहर निकल जाते हैं हम। ये देखिए पहले जहाँ पे ड्रैगन फ्रूट पूछ रहा था मैं, वहीं पे फिर से पहुँच गए हैं हम। अभी जो है पेट्स वगैरह का मार्केट तो देख लिया हमने, तो अभी कपड़ों वाले सेक्शन पे जाके देखते हैं क्या क्या मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है पूरा बैग्स वगैरह टांग के रखे हैं, बहुत ही भीड़ रहती है हमेशा, लोग आते हैं कस्टमर वगैरह। हाँ पूरा बैगों वाला सेक्शन है ये। ये वाला बैग तो मेरे पास है, ये वाला काफ़ी है अपने लिए, ये वाला नहीं चाहिए। उसे मुझे एक्जैक्टली तो कुछ लेना नहीं है, बस ऐसे ही देखना है। तो अभी फिर भी देखता हूँ, घर वालों के लिए अगर अच्छी अच्छी चीज़ मिल गई हमें तो हम ले लेंगे। चलिए सब बैग्स वगैरह ही है इधर में, वहाँ से लेके इधर अंत तक जो है केवल बैग ही बैग है। यहाँ पे तो कपड़े नहीं दिख रहे हैं मुझे, फिर भी देख लेते हैं, एक नज़र लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों चॉकलेट की दुकान है, यहाँ पे तरह तरह के मिठाइयाँ चॉकलेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम एक ये वाले ले लेते हैं, 180 रुपीज़ बोल रहे हैं, इसमें आते हैं 80 पीस। हाँ ये वाला दे दीजिए, कैरी बैग होगा? हाँ कैरी बैग दे दीजिएगा। तो ये वाले गोल्ड प्लेटेड वाले दोस्तों, इसका प्राइस है 250 रुपीज़। इसमें तो ज़्यादा पीस होगा शायद, 80 से ज़्यादा होगा क्या? ना 80 ही है इसमें भी, इसमें 90 पीस। अच्छा तो यहाँ से मैंने ले लिया है दो तरह के, दो फ्लेवर, यहाँ से एक फ्लेवर, यहाँ से एक फ्लेवर। यहाँ से मैंने ले लिया है दोस्तों चॉकलेट, और चॉकलेट वाला ने मुझे ठग दिया एक्चुअली, मुझे मेरा ही गलती है, मुझे पूछना चाहिए था जो है अलग अलग दुकानों पे। तो आप जब भी यहाँ पे शॉपिंग करने आओ तो पहले पूरा जांच पड़ताल कर लो कि कितना है प्राइस। तो इसका जो है मुझे जो 180 लिया है वो एक्चुअली 150 रुपया वाला है। तो आते आते दूसरी दुकान पर जैसे पूछा मैंने, वहाँ पर 150 रुपया बोला था, बट कोई बात नहीं, बस 100-150 रुपये की बात है, कोई बात नहीं, चल जाता है कभी कभार, हम भी बुद्धू बन जाते हैं। और यहाँ से मुझे अभी ड्रैगन फ्रूट लेके जाना पड़ेगा, ड्रैगन फ्रूट ये बिल्कुल पिंक वाले, 1 किलो 200 कम नहीं होगा? बढ़िया, ये ताज़ा ताज़ा वाले दीजिए। यहाँ पे शॉपिंग वगैरह हो चुकी है, तो मैंने यहाँ से ड्रैगन फ्रूट ले लिया 1 किलो 180 रुपये में, वो भी पिंक कलर वाले।
और जो है जो लीची वाला है वो पूरा फंसाने का कोशिश किया मुझे 450 रुपये किलो के लिए, लेकिन मैंने नहीं लिया। और मैंने बोला कि मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, तो उन्होंने बताया कि अच्छा अरुणाचल, पहले मुझे नेपाली बोल रहा था। और हाँ, क्रॉफर्ड मार्केट जो है मुझे अच्छा लगा, बट यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह उतना अच्छे वाले नहीं दिखे मुझे, कपड़े तो दिखे ही नहीं इनफैक्ट। तो मैं सोच रहा था घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ कपड़े वगैरह लूँ, और फुटपाथ से भी ले जाने का मन नहीं करता यार। तो देख लेते हैं, अभी फुटपाथ पे अगर बढ़िया वाला मिल जाता है तो वहाँ से भी ले लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए यही काफ़ी है। स्पेशली जो क्रॉफर्ड मार्केट है वहाँ पे अगर आते हो आप, तो आप जो है पेट वाला मार्केट, जो पेट वाला सेक्शन है वहाँ पे जाना बिल्कुल ना भूले। पेट वाले पे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, बस एक बात है वहाँ पे जो है काफ़ी गंदगी है, जो पेट्स के जो तत्ती वगैरह उसकी बहुत स्मेल आती है, बस चल जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम चले जाते हैं यहाँ से पैदल पैदल, सीधा जाएंगे सी एस टी से चले जाएंगे उधर से अपना होटल रूम पे, वहाँ पे पैदल। तो अगर आप सी एस टी पे उतरते हो तो यहाँ से आपको कोई पैसे खिलाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप क्रॉफर्ड मार्केट पे आते हो तो आप पैदल ही चले आओ, 5 मिनट में पहुँच जाओगे। अभी रूम पे पहुँच गया दोस्तों, 2 किलोमीटर पैदल चल के थक गया। गाँव में तो हम 5-6 किलोमीटर चल के भी नहीं थकते हैं, लेकिन पता नहीं शहरों में ऐसा क्यों, 2-3 किलोमीटर चलने से इतनी थकान होती है, ऐसा लगता है कि 10-20 किलोमीटर पैदल चल लिया। तो अभी थोड़ा रेस्ट करूँगा, पानी वानी पीऊँगा, उसके बाद जाऊँगा मूवी देखने के लिए। आज बहुत देर तक रेस्ट कर लिया दोस्तों, अभी तो रात भी हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दिल दिन बाय बाय, मिलते हैं कल। एक्चुअली कल मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, मुंबई छोड़ के जाने वाला हूँ अरुणाचल प्रदेश।